नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ के बिना जानकारी के जेसीबी पहुंची सदर बाजार, व्यापारियों में नाराजगी। अध्यक्ष ने कहा कार्यवाही करेंगे। शिवपुरी के सदर बाजार में आज नगर पालिका की जेसीबी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और सीएमओ केशव सिंह सगर के बिना जानकारी के ही पहुंच गई। ड्राइवर ने जैसे ही जेसीबी सदर बाजार की गली में घुसाना चाहा तो व्यापारियों ने एकत्रित होकर चक्का जाम कर डाला। व्यापारियों ने ये नाराजगी देखी गई है। व्यापारियों ने कहा कि त्यौहार पर ही अतिक्रमण मुहिम चलाई जाती है और चुनाव से ठीक पहले भी ये अतिक्रमण मुहिम समझ से परे है। व्यापारियों ने कहा कि वैसे ही व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में अतिक्रमण मुहिम सही नहीं है। वहीं व्यापारियों ने तत्काल ही अनिश्चितकालीन धरना का बैनर सदर बाजार में टांग दिया, साथ ही चुनाव बहिष्कार का उसमें बखान किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा कि किस तरह से जेसीबी यहां पहुंची, हमारी जेसीबी तो मोरम के काम से गई थी, उसकी वहां जांच कराएंगे और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। वहीं व्यापारियों ने बताया कि जब उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि जेसीबी किसके आदेश से आई है तो ड्राइवर ने व्यापारियों को नगर पालिका में पदस्थ त्रिपाठी का नाम बताया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों ने त्रिपाठी को सस्पेंड करने की मांग की है। वालों से यहाँ कहा, मैंने कहा भैया अगर आपको ये प्लेटें निकलवाना है तो आप अपने अपने प्लेटों के ऊपर से चबूतरों को कटवा लेना ताकि आपका नुकसान ना हो, और आप मशीन से कटवाओगे तो उतना कटेगा जितनी ज़रूरत है। तो वो बोले कि ठीक है दीदी, हम 10 दिन का हमें समय दे दो, 10 दिन बाद हम तो कटवा लेंगे। अब उसके बाद ना तो इन्होंने मुझे बुलाया और ना मैं आई, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इनका सलून, मैंने सफाई वफाई करवा दी तो शायद इनकी दुकानों में पानी नहीं जा रहा तो इनको तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? सुनो सुनो, अरे मैं वही बता रही हूँ पूरी बात। जी जी जी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इनको ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ना तोड़वाना है और ना कोई दिक्कत होनी है, सफाई है तो सफाई होती रहेगी। वही हो रहा था। आज उस बात को लगभग 2 महीने हो गए। आज जेसीबी कैसे आई है, क्यों आई है, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अब मुझे नगर पालिका जाके पता करने दो कि जेसीबी किसने भेजी और क्यों आई। कोई त्रिवेदी करके आए थे, मेक नगर व्यापार वर्ग, बहुत अच्छा व्यापारी है यहाँ का, बिल्कुल मुझे पता है। व्यापारी आप भी जानती हैं, कभी इस तरह का विवाद नहीं करता, सहयोग करता पूरा। जब उन्होंने पूछा कि आपको किसने भेजा है तो उन्होंने आपका नाम लिया और सीएमओ साहब का नाम लिया। सीएमओ साहब के इन्हें फोन लिया तो वो भी अपना नाम नहीं बता रहा, वो आपका नाम, तो एक दूसरे पे क्यों टाल हुई ये? बिल्कुल, मैं अभी जानकारी लेती हूँ कि आज त्रिवेदी को किसने भेजा और त्रिवेदी क्यों आया, और आया तो उसने मुझसे पूछना क्यों नहीं जरूरी समझा। अगर बगैर पूछे आया तो कोई कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई। मैं जेसीबी वाले को भी सस्पेंड करूंगी और मैं जो इससे जितने भी कर्मचारी मेरे इसमें लिप्त हैं उनको सबको सस्पेंड करूंगी। इसकी जानकारी कैसे लगेगी? क्या हुआ है? बिल्कुल सही बात है, मुझे भी नहीं पता है इस बात का कि ये जेसीबी कौन है भेजी है और कैसे आई है। अभी मुझे रैली के दौरान यहाँ से कोई फोन गया और मैं तत्काल रैली छोड़ के यहाँ आई, और मैंने बंद भी करवाया फोन पे कि तुरंत जेसीबी को बंद करो, मैं आ रही हूँ, मैं समझूंगी वहाँ क्या है और क्या हुआ है। ये बात सही है, 1 महीने पहले यहाँ से 2-3 जनों ने लेटर दिया था आवेदन बना के कि हमारी नालियाँ साफ नहीं हो रही, पानी रुक रहा है, हमारे मकानों में और दुकानों में पानी सीपेज हो रहा है, पानी जा रहा है, तो हमारे तलघरों में सारा सामान खाली खराब हो रहा है। दीदी आप है ना, तो मैंने यहाँ आके खुद मुआयना किया, बहुत लोग मेरे साथ में थे और मैंने मुआयना किया, तो मैंने कहा भैया कुछ जगह प्लेटें लगी हैं चीनी मिट्टी की साइड, तो मैंने कहा एक तो मुझे प्लेटें हटवाना पड़ेगी।